हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि बारिश ज़ोरों से शुरू हो गई है सारी जगह पे और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है सभी के लिए। बट बारिश के साथ साथ आती है कुछ परेशानियाँ। हर एक सीज़न के कुछ न कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। बट अगर हम उन पे अपने तरीके से कुछ चीज़ें अपनाएं तो ये जो मौसम है वो हमारे लिए सुहाना बन जाता है। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी, साथ ही साथ उसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो एंड तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जी बबल्स में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नए नए वीडियोज़ आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। पहला जो हैक है वो है मोबाइल से रिलेटेड। कितनी भी बारिश रहेगी, हमें ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में जाना ही पड़ता है और मोबाइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आजकल ये ऐसे मोबाइल के लिए कवर्स मिलते हैं जो कि बहुत ही हैंडी है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये एक मोबाइल का पाउच है, उसमें आप देखेंगे कि 3 लेयर इसको जिप लॉक दिया गया है, 3 जिप लॉक है उसको। एंड साथ ही साथ उसको हम गले में लटका भी सकते हैं, बैग में भी रख सकते हैं। तो चलिए, या इसमें हम ओपन करके मोबाइल रख देते हैं। ये कैसे यूज़ होता है मैं आपको दिखा रही हूँ। मोबाइल को रख दिया है और उसके जो भी जीपर्स है ये लगा दिए हैं। इससे पानी अंदर तक नहीं जाएगा, आपका मोबाइल नहीं भीगेगा और रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम ऐसे अटैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कवर रेडी। अभी हम देखते हैं ये ऑपरेट होगा या नहीं। देखो इधर ये ऐप ऑपरेट हो जाता है और आप इसमें व्हाट्सएप चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, साथ ही साथ सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है और बहुत यूजफुल चीज़ मुझे लगती है सभी के लिए। तो ये आपको कैसी लगी आप ज़रूर से कमेंट करके बताइए। मोबाइल पकड़े, छाता पकड़े, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको अच्छे से गले में लटका लो और हाथ भी फ्री रहते हैं सारा सामान पकड़ने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है ये। नेक्स्ट हैक है बैग का प्रोटेक्शन। जैसे हम छाता लेके निकलते हैं, पीछे वाला जो भी बैग का पोर्शन है पूरा जो गीला हो जाता है, तो उसके लिए ये है बैग प्रोटेक्टर। बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है और बहुत कमाल की चीज़ है ये। देखिए छोटे पैकेट में मिलता है और ये बैग का कवर है। उसको आप ओपन करके अपने बैग को जो है पहना दो, बस हो गई आपकी बैग रेडी। क्योंकि बारिश के समय में हम जब भी निकलते हैं, जैसे हम ऑफिस में पहुंच जाते हैं, स्कूल या कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो उसको निकाल के एक छोटे से पाउच में रख दीजिए और जब भी आपको ज़रूरत है, बारिश में आप बाहर निकल रहे हैं, तो तभी आप उसको अगेन निकाल के आपके बैग को पहना लीजिए। इतना आसान तरीका है अपने बैग्स को और बैग के अंदर के सामान को सिक्योर रखने का, जिससे वो गीला ना हो। तो ये बैग प्रोटेक्टर जो है वो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। बैग प्रोटेक्टर आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट है बी रेडी। मानसून जब भी स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए हमें रेनकोट्स, हमारे छतरी, अम्ब्रेलाज जो भी है, और साथ ही साथ थोड़े से गर्म कपड़े जो कि हमें ज़रूरी है वो हमें निकाल के रखने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे स्टोरेज में रख देते हैं तो उसको निकाल के चेक करना है छाते को भी कि वो यूज़ करने लायक है या नहीं है। अगर वो कुछ टूटा वगैरह है तो उसको हमें ठीक कराना पड़ता है। तो वो जल्दी से ठीक करा के फिर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके रेनकोट्स वगैरह जो भी है वो भी आप चेक कर लीजिए, क्योंकि हम उसको रख देते हैं और उसके बाद जब हम मानसून के लिए निकलते हैं तो 1-2 दिन में ही उनका कुछ ना कुछ टूट जाता है या फिर निकल जाता है। ये होता ही है क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद उनको यूज़ करते हैं। तो आप उसको ठीक करा के फिर आप यूज़ कर सकते हैं। रेनकोट एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है तो उसे आप ज़रूर से चेक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये है डोरमैट से रिलेटेड।
नायलॉन डोरमैट, हमारे जो कॉटन के डोरमैट्स होते हैं वो जल्दी गीले हो जाते हैं और चुभते भी नहीं हैं। तो आजकल ये ऐसे वाले डोरमैट जो है वो आपको सभी जगह पे मिल जाएंगे, जिसमें पानी भी नहीं बचता और सुखाने का इसका टेंशन भी नहीं है। तो इसको आप मेन डोर के बाहर ज़रूर से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से और उसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट हैक है राइट फुटवेयर। बारिश के सीज़न में सारी जगह पे पानी, कीचड़ और मिट्टी जमी हुए रहते हैं, तो आप इस तरीके के एंटी स्किड और थोड़े से ओपन वाले फुटवेयर जो है वो बच्चों के लिए भी और खुद के लिए भी आप ले सकते हैं। क्योंकि हम अगर दूसरे फैब्रिक वाले जूते या फिर दूसरे हमारे जूते यूज़ करते हैं बारिश के टाइम में, तो वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते, साथ ही साथ हम फिसल भी सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई है, तो आप ज़रूर से ट्राई करना। नेक्स्ट हैक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सारी जगह पे बारिश चल रही है, हम बारिश के सीज़न में बाहर से जब भी हम घर पे आते हैं तो ये गीला छाता जो है उसको कहाँ रखे। अगर हम बाहर रखते हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता, और साथ ही साथ कुछ कुछ अपार्टमेंट्स में इतनी जगह भी नहीं होती कि जिसको हम रख सकते या हैंग कर सकते, और साथ ही साथ पूरा जो स्टेप्स है वो भी गीला हो के दूसरे के लिए भी परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करें, अगर आपका गैलरी है तो वहाँ पे ऐसे आप उसको लटका दें, थोड़ा सा पानी उसका निकल जाए सारा, तभी उसके बाद आप उसको सुखाने के लिए रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके रेनकोट्स हैं तो उनको भी आप इसी तरीके से गैलरी में या फिर बाहर के साइड में सुखा सकते हैं, जिससे दूसरों को भी परेशानी ना हो और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें सूख जाए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको ये हैक्स यूजफुल लगे ही होंगे, तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी आप कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।